मध्य प्रदेश 20 से 25 जुलाई के बीच हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों स्वागत है आपका एमपी न्यूज में, और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश मौसम समाचार की। मध्य प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है और आने वाले 24 से 25 जुलाई के बीच नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो क्या अपडेट है, चलते हैं अपडेट की ओर। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की व मध्य प्रदेश की सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई नया सिस्टम न बनने के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते प्रदेश में तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वातावरण में नमी के चलते प्रदेश में अलग अलग इलाकों में रिमझिम का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के साथ संभावनाएं जताई थी आने वाले 48 घंटों के लिए। विभाग ने रीवा, शहडोल, होशंगाबाद और इंदौर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं व्यक्त की थी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में अभी तक कोई प्रभावी कम दबाव का क्षेत्र नहीं बना है, इसी वजह से लगातार बरसात नहीं हो रही है। वर्तमान में मानसून द्रोणिका गुना से होकर गुजर रही है। दक्षिणी गुजरात पर एक विपरीत चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश के आसपास पूर्वी पश्चिम हवाओं का टकराव शियर जोन मौजूद है। इन तीन सिस्टमों के कारण प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कुछ बरसात हो सकती है। हालांकि 24 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है, लेकिन नया सिस्टम बनने की संभावना, यदि यह सिस्टम बनता है तो मध्य प्रदेश में 24 और 25 जुलाई के बीच भारी बरसात हो सकती है, और इसके सक्रिय होने के बाद ही प्रदेश में लगातार अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून द्रोणिका वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसके कारण लगातार और अच्छी बरसात के लिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में किसी चक्रवात के बनने का इंतजार करना पड़ेगा, जो संभवतः 24 जुलाई के आसपास बनेगा। इन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। जून में जहां भोपाल समेत कई जिलों में बारिश अच्छी हुई, लेकिन वर्तमान में प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर, मंदसौर और अलीराजपुर में सामान्य से कम बरसात हुई है। इसमें किसान चिंतित है, अच्छी बारिश का किसानों को बेसब्री से इंतजार है और आने वाले 24 जुलाई से फिर से दौर शुरू हो सकता है मध्य प्रदेश में भारी बारिश का। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट यथा मौसम विभाग का अनुमान, वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।